ये युद्ध तुम मेरे लिए कर रहे हो अर्जुन, अपने लिए नहीं। ये युद्ध तुम सत्य के लिए, धर्म के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं। ये है निष्काम कर्म योग, कि अपने आप को जिताने से कहीं बेहतर है सच्चाई को जिताना। चारुल शुक्ला, उम्र 20 साल, लखनऊ से विद्यार्थी हैं। जिज्ञासा करी है कि मैं अपने पुराने ढर्रों को छोड़कर नई तरीके से शुरुआत करना चाहती हूँ, पर असमंजस में हूँ कि अब जो काम करने का सोच रही हूँ सही है या नहीं। यह उलझन मुझे हमेशा पकड़ी रहती है, और वह सही है या गलत है इसी में उलझकर मैं अकर्मण्यता को उपलब्ध हो जाती हूँ और कुछ भी नहीं कर पाती। कृपया मार्गदर्शन दें। 20 साल की उम्र है, चारुल शुक्ला जी, लखनऊ से। चारुल, पुराने ढर्रे जितने होते हैं वो सब आपस में अच्छे से समायोजित होते हैं, वेल एडजस्टेड। इसीलिए तो वो सब एक साथ चल पाते हैं बहुत दूर तक। उदाहरण के लिए, किसी के जीवन का एक ढर्रा है देर तक सोना, और दूसरा ढर्रा है सुबह प्रार्थना न करना या योग व्यायाम वगैरह न करना। ये दोनों ढर्रे साथ साथ चल रहे हैं ना, इन दोनों ढर्रों में आपस में कोई लड़ाई नहीं है। इसी तरीके से उस व्यक्ति के अगर दिन भर के भी बाकी ढर्रों को देखेंगी तो पाएंगी कि वो आपस में बहुत मैत्री भाव से रहते हैं। ये सबकी कहानी है। आप जिस तल पर रह रहे हैं उसी तल के अनुसार आपके जीवन के सारे ढर्रे होते हैं, एक दो नहीं, एक दो हो सकता है आपको परेशान कर रहे हों, बाकियों द्वारा दी जा रही परेशानी आपको पता ना चल रही हो, पर हैं वो सब ढर्रे आपस में भाई बंधु ही। आपस में उनका कोई गहरा विरोधाभास नहीं है, तभी तो वो सब साथ साथ चल पाते हैं। अब गड़बड़ क्या होती है चारुल? मान लो कि 20 ढर्रे हैं किसी के, 20 जिन पर उंगली रखी जा सकती है, होते तो 20,000 हैं, 20 जिनको गिना जा सकता है। ये 20 के 20 हमें बुरे नहीं लगते, हमें बुरे लगते हैं इसमें से एक या दो। उन एक दो को हम हटाना चाहते हैं, हम ये समझते ही नहीं कि उनके 18 दोस्त जीवन में बैठे हुए हैं। दो को हटाओगे और उन दो के 18 दोस्त जीवन में बैठे हैं जिन्हें जिनसे तुम्हें कोई आपत्ति ही नहीं, तो वो 18 क्या इन दो को हटने देंगे? तो इन दो को तुम हटाते भी हो तो बाकी 18 इन्हें वापस खींच ले आते हैं। तो करना क्या है? करना ये है कि जिंदगी में कोई ऐसा मूल बदलाव लाना है जो इन 20 के 20 को अप्रासंगिक बना दे, मूल्यहीन बना दे, इररिलेवेंट कर दे। इन सबकी ही कीमत तुम्हारी नजरों में बिल्कुल गिरा दे, शून्य कर दे। एक ऐसी शुरुआत मिल जाए नई जिंदगी को कि पुराने सब ढर्रे व्यर्थ लगने लगे, उनसे आगे का कुछ बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देने लग जाए, तब तो ये सब ढर्रे जाएंगे। और जब ये जाते हैं तो झुंड में जाते हैं, एक दो फिर नहीं रवाना होते, 8, 10, 15 रवाना होते हैं। यही वजह है कि लोग पुरानी आदतें आसानी से छोड़ नहीं पाते।
अब किसी के जीवन के सारे ढर्रे ही तनाव बेचैनी से भरे हुए हैं और वो कहे मुझे सिगरेट छोड़ देनी है, सिगरेट की आदत छूटेगी नहीं क्योंकि आपके पास 5 और आदतें हैं जो सिगरेट को आमंत्रित करती हैं। जब तक आप उन 5 और आदतों को भी नहीं छोड़ेंगे, सिगरेट अकेले को कैसे छोड़ देंगे? तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो पुराने ढर्रों के मध्य एक अराजकता ला दे, कुछ डिसरप्टिव होना चाहिए, फिर तो ये छूटेंगे ढर्रे। अन्यथा बहुत सारी विधियां हैं आदतें बदलने की, पैटर्न्स तोड़ने की, वो आजमाते रहो, उनसे थोड़ा बहुत लाभ होता है कुछ काल के लिए और फिर वही ढाक के 3 पात। कई बार जिस जगह पर रह रहे हो उस जगह को बदलना कारगर हो जाता है, कई बार आगे की पढ़ाई करना, नया ज्ञान लेना, किसी नए कोर्स इत्यादि में प्रवेश ले लेना सहायक हो जाता है। कई बार अपने आप को एक चुनौती भरा लक्ष्य दे देना सहायक हो जाता है। पर जो भी कुछ जीवन में लाओ वो इतना चुनौतीपूर्ण, इतना आवश्यक, इतना अपरिहार्य होना चाहिए कि उसके आगे पुराना सब कुछ फीका लगे, तब तो पुराने से मुक्ति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। सतही और कृत्रिम बदलाव बहुत गहरे नहीं जाते, दूर तक भी नहीं जाते। अपने आप को एक बड़ा लक्ष्य दो। बड़ा लक्ष्य भी देने भर से काम नहीं चलता, बड़े लक्ष्य को न पाने की पेनल्टी, कीमत, दंड भी बड़ा होना चाहिए। नहीं तो फिर तो भीतर जो हमारे बंदर बैठा है उसके लिए आसान हो गया ना। अपने आप को बड़ा लक्ष्य देते रहो बार 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 और हासिल उसे कभी करो मत, बेशरम बंदर है, फर्क उसे पड़ता ही नहीं। वो कह देगा हाँ मैंने फिर लक्ष्य बनाया और फिर मात खाई, कोई बात नहीं। लक्ष्य भी बड़ा हो और लक्ष्य से प्रेम इतना हो, लक्ष्य का महत्व इतना समझ में आता हो कि लक्ष्य को न पाने का विचार ही बड़ा डरावना हो, साफ पता हो कि जीवन बड़ी पेनाल्टी लगाएगा अगर जो लक्ष्य बनाया है उसको पाया नहीं। तो हम लोग यही भूल कर जाते हैं, संकल्प तो बड़े बना लेते हैं पर बड़ा संकल्प बनाने से काम नहीं चलता। अपने आप को सजा भी देनी पड़ती है अगर संकल्प पूरा ना हो तो। संकल्प पूरा नहीं कर पाए और अपने आप को सजा नहीं दी तो फिर क्या है? फिर तो मौज है, ऊंचे ऊंचे संकल्प बनाने का श्रेय भी लेते रहो और आलसी रह गए, निखट्टू रह गए, ढीले रह गए, कोई दृढ़ता नहीं दिखाई, इसकी कोई सजा भी मत भुगतो। नहीं, सजा तुम्हें अपने लिए स्वयं निर्धारित करके रखनी पड़ेगी पहले से। आमतौर पर सबसे बड़ी सजा तो प्रेम ही होती है। कुछ अगर ऐसा लक्ष्य बनाया है जिसके प्रति बड़ा समर्पण है, बड़ा प्रेम है, तो यही अपने आप में सजा बन जाती है कि जिससे प्रेम था उसे पाया नहीं।
एक बार निगाहें कर ली आसमान की ओर, और ललक उठ गई किसी तारे की। उसके बाद जमीन में खिंची हुई लकीरें, जमीन में उठी हुई दीवारें, मिट्टी में बंधे हुए ढर्रे, फिर किसको याद रहते हैं, वो अपने आप पीछे छूट जाते हैं। और यही विधि है। लेकिन पहले किसी तारे की ललक उठनी चाहिए, ललक उठनी चाहिए, और ना मिले तारा तो दिल टूटना चाहिए। जिनके दिल नहीं टूटते उनके लिए जीवन में कोई प्रगति संभव नहीं है। जो अपनी असफलता को भी चुटकुला बनाए घूमते हैं, जिन्हें लाज ही नहीं आती, उनके लिए जीवन में कोई उन्नति उत्थान संभव नहीं है। इंसान ऐसा चाहिए जो लक्ष्य ऊंचा बनाइए और लक्ष्य फिर न मिले तो एक गहरी पीड़ा, एक गहरी कसक बैठ जाए जीवन में। ताकि दोबारा जब वो लक्ष्य बनाए तो उसे हासिल न कर पाने की धृष्टता न कर पाए। नहीं तो हमने ये बड़ा गंदा रिवाज बना लेना है अपने साथ। लक्ष्य बनाओ मात खाओ, लक्ष्य बनाओ मात खाओ, लक्ष्य बनाओ मात खाओ। और मात क्यों खाओ? इसलिए नहीं कि स्थितियां या संयोग प्रतिकूल थे। मात इसलिए खाओ क्योंकि हम आलसी थे, हम में विवेक, श्रम, समर्पण, साधना सबकी कमी थी। लक्ष्य बनाओ मात खाओ, लक्ष्य बनाओ मात खाओ, और जितनी बार मात खाओ उतनी बार बेशरम की तरह बस मुस्कुरा जाओ। ना, ऐसे नहीं। जिसको मात खाने पर लाज नहीं आएगी वो बार बार मात ही खाएगा। चारुल, हारना नहीं बुरा है, पर काहिली में हारना, आलस में हारना, अविवेक में हारना, इनकी कोई माफी नहीं है। तुम पूरी जान झोंक दो, उसके बाद भी कुछ मिले ना, जीवन बदले ना, पुरानी आदतें, पुरानी व्यवस्थाएं जीवन की टूटे ना, चलो कोई बात नहीं, इंसान हो, नहीं मिली जीत, कोई बात नहीं। पर अधिकांशतः हमें जीत यदि नहीं मिलती तो इसका कारण ये नहीं है कि स्थितियां बिल्कुल हमारे विपक्ष में खड़ी हो गई। अधिकांशतः 99.9% मामलों में अगर हमें जीत नहीं मिलती तो उसकी वजह यह है कि हम में पानी नहीं था, हृदय में प्रेम और आंखों में लाज नहीं थी। और इतना ही नहीं होता, जब तुम्हारे आंखों में पानी नहीं होता, हृदय में प्रेम नहीं होता, तो तुम मिली हुई जीत भी गंवा देते हो। ये तो छोड़ ही दो कि जीत मिलती नहीं, कभी कभार जैसे संयोग से हार मिल जाती है वैसे ही संयोगवश जीत भी मिलती है। जिन्हें संयोगवश जीत मिल जाती है वो भी जीत को गंवा देते हैं। अगर जिसको जीता है, जिसको पाया है, जिस लक्ष्य को हासिल किया है, उसके लिए दिल में धधकता हुआ प्यार ना हो, फिर कुछ नहीं।
कुछ सालों की, कुछ दशकों की जिंदगी है, उसे एक औसत तरीके से जी कर गुजार दो, कट जाएगी। बहुत कीट पतंगे हैं, कीड़े मकौड़े हैं, आते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं, सब ऐसा कर सकते हैं अगर ऐसा ही करना है।